मेरठ में पेट्रोल पंप पर गोलीकांड और लूट की कई घटनाओं के बाद अब व्यापारी से खुलेआम रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इससे व्यापारी दहशत में है। व्यापारी से मोबाइल फोन पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। व्यापारी का नाम वसीम है और ये गत्ते और रद्दी का काम करता है। वसीम के अनुसार उसके मोबाइल पर फोन आया और फोन करने वाले ने अपने को कुख्यात मदन भैया के राइट हैंड बताया। इसके बाद उसने वसीम को से 1 करोड़ रुपए का इंतजाम 24 घंटे में करने को कहा। रुपए न देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। इसके बाद से ही व्यापारी और उसका परिवार दहशत में है। व्यापारी का कहना है कि 3 महीने पहले उसकी बहन की शादी थी, तब उससे 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और अब 1 हफ्ते पहले उससे 50 लाख की फिरौती मांगी गई है मदन भैया के नाम पर। हालांकि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे से 3 महीने पहले 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। 3 महीने पहले इसमें एक आदमी निर्दोष जेल गया था, जो अब केस खुलकर सामने आ रहा है। अभी फिलहाल 3 लड़के पकड़े गए हैं, 50 लाख की फिरौती मांगी थी मुझसे दोबारा 1 हफ्ते पहले। जो 3 लड़के उठाए हैं, एक उनमें सुहेल, एक साजिद, एक वाहिद, ये 3 लड़के अभी उठाए हैं पुलिस ने और बाकी 6-7 लड़के भी फरार हैं। जो मैन इनका टारगेट मैन जो आदमी है वो है आसिफ, उसके घर वालों ने उसको बेदखल कर रखा है। वो मेरा गोली मारने की प्लानिंग कर रहा था। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं, हम 2 भाई हैं, एक सबसे छोटा है, मेरी 5 सिस्टर हैं। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, नंबर है उनके, जिससे मोबाइल छीना था इन्होंने। वो आदमी भी आ गया है, उस आदमी को भी पता कर लिया है वो किससे छीना किससे नहीं छीना। उसने FIR दर्ज भी कराई है नौचंदी थाने में। हमारा केस जो है लिसाड़ी गेट में से, लिसाड़ी गेट का है। मैं एक रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई, इसी आधार पे पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और साथ साथ में सर्विलांस की टीम से जो संबंधित मोबाइल से मांगा गया होगी हम लोग चेक करवा रहे हैं। और दूसरी, वादी ने कुछ लोगों को बताया था कि जिनके द्वारा संभवतः उनको फ़ोन किया गया है, जो आवाज़ पहचानना था, करीब 4 लोगों को हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। उसमें हो जाएगा।